हेलो एवरीबॉडी। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, सीपीसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ज्यूरिसडिक्शन का। उसमें एक सब टॉपिक है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का। ठीक है, तो सेक्शन 16 से लेकर 20 तक टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, मतलब कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन होगा कि नहीं ये कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग। हाउ वी विल डिटरमाइन वेदर देयर इज अ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पर्टिकुलर कोर्ट और नॉट। ठीक है ना। सो सेक्शन 16 क्या कहता है, आप लोग बेयर एक्ट में जो कुछ लिखा आप खुद पढ़िएगा, उसका मैं एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन 16 ये कहता है कि वहां पे एक जनरल रूल दिया है। इन सेक्शन 16 देयर इज अ जनरल रूल कि सूट इज टू बी फाइल्ड वेयर वेयर एवर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। ठीक है, इफ केस इज रिलेटेड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जहां पे भी प्रॉपर्टी है उसी जगह पे सूट फाइल करा जाएगा। ठीक है, नाउ नाउ एक बहुत छोटा सा डिफरेंस आई वुड लाइक टू टेल यू, डिफरेंस बिटवीन इविक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन रिकवरी ऑफ पोजेशन। ठीक है, ये सेक्शन 16 में इसको मेंशन करा गया, उसको मैं देख लेता हूँ। अंडरस्टैंड दिस, इन रिकवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है ना, प्रॉपर्टी इज नॉट ऑन लीज। रिकवरी ऑफ पोजेशन में जो है तो प्रॉपर्टी लीज पे नहीं है, किराए पे नहीं है। रादर देयर इज सम ट्रेस्पासर हु हैज डिनाइड द पोजेशन। ठीक है, आपका घर आपका है, आपके घर में कोई घुस गया है और रहने लगा है, तो देन दैट इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ पोजेशन। ठीक है, इन इविक्शन सूट इट इज द लैंडलॉर्ड हु क्लेम्स हिज राइट टू गेट द प्रेमाइसेस एंड ही वांट्स टेनेंट टू इविक्ट द प्रेमाइसेस। अब इविक्शन सूट में टेनेंट है, वो रहने लगा है वहां पर, छोड़ नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड इविक्शन सूट। ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए दे दिया, छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसलिए आ गया बीच में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन इविक्शन सूट एंड डिफरेंस बिटवीन इविक्शन एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन। ठीक है, ना एक केस था हर्षद चिमनलाल मोदी वर्सेस डीएलएफ का। ठीक है, तो उसमें था कि अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परटेनिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ सूट परटेनिंग टू राइट रिलेटेड टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉल अंडर सेक्शन 6। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपको कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ राइट रिलेटेड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ के केसेस आपको सेक्शन 16 में डील करने होंगे आके ऑफ सीपीसी। नाउ सेक्शन 16 के क्लॉज एफ और सेक्शन 16 क्लॉज 6 में एक वर्ड दिया हुआ है, प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट। ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट क्या होता है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ए गेव हिज कार टू बी इन दिल्ली, एक आदमी दिल्ली पे रहता है, तो ए ने बी को अपनी कार दे दी दिल्ली के लिए एज अ लोन दी। ठीक है, अब नाउ बी व्हाट बी डिड, जिसके पास कार गई थी, व्हाट ही डिड, ही टुक दैट कार टू मुंबई एंड ही सेज दैट ही विल नॉट रिटर्न द कार। ठीक है, नाउ अब यहां पे प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड हो गई वो हो गई कार हो गई, और दैट हैज बिकम अ प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट। ठीक है, नाउ यहाँ पे जैसे कि सेक्शन 16 में हमने जनरल रूल क्या पढ़ा था कि वेयर एवर देयर इज अ प्रॉपर्टी वहां पे सूट फाइल होगा। नाउ आपने प्रॉपर्टी कहाँ दी उससे मतलब नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी इस समय द प्रॉपर्टी हेयर इज कार, द कार इज इन मुंबई, द सूट हैज टू बी फाइल्ड इन मुंबई। ठीक, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको प्रॉपर्टी ना डिस्ट्रेंट कहते हैं। और ये याद रखिए सेक्शन 16 कवर्स बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप अगर आप सेक्शन 16 पढ़ेंगे, देर इज दिस वर्ड कॉल्ड पर्सनल डिसोबीडियंस, पर्सनल ओबीडियंस, आई एम सॉरी, पर्सनल ओबीडियंस कहते हैं। पर्सनल ओबीडियंस इज अ केस वेयर डिग्री नीड नॉट टू बी एक्सिक्यूटेड अपॉन अ सूट प्रॉपर्टी। ठीक है, रैदर विदाउट इन्वॉल्विंग द सूट प्रॉपर्टी द डिग्री कैन बी एक्सिक्यूटेड बाय अटैचिंग और सेलिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडेंट और बाय अरेस्टिंग हिम। ठीक है, मान लीजिए मेरी कार को लेकर मुंबई चला गया, तो जरूरी नहीं वो कार के लिए हम रिकवरी करें और कार को ही अटैच कराएं। What I can do is I can ask the court to sell the property of a person who has taken away my car. ठीक है, ये हो गया personal obedience. Now, section 17 किस बारे में बात करता है? और एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि जो plaintiff का residence है, ठीक है, that will not determine the jurisdiction of court. ठीक है ना? If you are approaching the court and you live in, let's say, you live in Goa, ठीक है? बट जो डिफेंडेंट है और जो प्रॉपर्टी है वो लेट से इज इन जम्मू कश्मीर, तो देन यू हैव टू फाइट द केस इन जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। सेक्शन 17 क्या कहता है, टॉक्स अबाउट द सिचुएशन वेयर मोर देन वन प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन।
ठीक है, एक प्रॉपर्टी है वो दो कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आ रही है, देन व्हाट विल हैपन? ठीक है, प्रॉपर्टी इज इन दिल्ली ऑल्सो, प्रॉपर्टी इज इन मुंबई ऑल्सो, प्रॉपर्टी इज इन भोपाल ऑल्सो, प्रॉपर्टी इज इन झांसी ऑल्सो. ठीक है, नाउ वॉट यू कैन डू इज यू कैन इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन, यू कैन इनिशिएट द केस एनी वेयर यू वॉन्ट. ठीक है ना, आप किसी भी जगह केस डाल सकते हो. ठीक, बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दैट नीड्स टू बी इन द हेड ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हुज वॉचिंग दिस वीडियो इज, जो वैल्यूएशन डिसाइड होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय कंबाइनिंग द वैल्यूएशन ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज. ठीक है ना, आप केस कहीं भी कर सकते हो, बट अगर तीनों प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो तीनों प्रॉपर्टी का जो एक कंबाइंड वैल्यूएशन होगा वो डिटरमाइन करेगा कि किस कोर्ट में जाना है. मतलब अब जैसे किस कोर्ट में जाने का मतलब है, देर आर मेनी मजिस्ट्रेट्स सिटिंग इन वन कोर्ट प्रोविंसेस. ठीक है, किसी का जुरिस्डिक्शन 20 लाख तक है, किसी का जुरिस्डिक्शन 50 लाख तक है, किसी का जुरिस्डिक्शन 20 करोड़ तक है. तो इस तरीके से किस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, किस जज के पास जाएगा वो किस, इस तरीके से डिटरमाइन होता है. ठीक है, और जो इंटायर द एंटायर क्लेम अंडर सेक्शन 17 जो हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट जुरिस्डिक्शन का, दैट एंटायर क्लेम इज अ कॉग्निजेबल क्लेम. दिस इज अ क्वेश्चन इन आई फील इन यूपी जुडिशरी दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिख दी है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन करी. ठीक, नाउ अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं. सेक्शन 18 क्या बात करता है? तीन सिचुएशन है सेक्शन 18 में. पहली सिचुएशन क्या है, अगर आपको कोर्ट को जुरिस्डिक्शन का आइडिया था नहीं, अनसर्टेन था कि किसका जुरिस्डिक्शन, मेरा जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, द कोर्ट इज अंडर अ डाउट दैट वेदर आई हैव द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन दिस सूट और नॉट, तो क्या करेगा, डाउट भी है तो देन ही विल रिकॉर्ड रीजंस. ठीक है, कि उसको डाउट क्यों है, देन ही कैन ऑल्सो कंडक्ट ट्रायल. ट्रायल कंडक्ट करा, डिग्री पास करी. ठीक, अब अगर डाउटफुल जुरिस्डिक्शन पे डिग्री पास कर दी है तो द लूजर विल गो टू द एपेलेट कोर्ट और रिविजन अपील करेगा उसका. ठीक है, बट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड दैट द कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कोर्ट वॉज इन डाउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन, इस बेसिस पे डिग्री रिजेक्ट नहीं होगी. ठीक है, और रीजन पे डिग्री रिजेक्ट होती है लेकिन डाउटफुल जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पे डिग्री रिजेक्ट नहीं होगी. ठीक है, नाउ सेकेंड इज रिकॉर्ड रीजन फॉर अनसर्टिनिटी. ठीक है, यहाँ पे भी उनको अनसर्टिनिटी था, उन्होंने रीजन रिकॉर्ड कर लिए, ट्रायल भी कंडक्ट करा. ठीक है, ट्रायल कंडक्ट करते टाइम उन्होंने रीजन नहीं रिकॉर्ड करे कि आपने क्यों ट्रायल कंडक्ट कर लिया. ठीक है ना, उसके बाद डिग्री पास करी, लूजर अपील या रिविजन में गया. ठीक है, अपील और रिविजन में उसने ग्राउंड ही रेज द ग्राउंड दैट इट डिड नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन. ठीक है, इसके बाद भी डिग्री विल बी अपहेल्ड इफ ओनली देर इज अ ग्राउंड ऑफ जुरिस्डिक्शन. अगर सिर्फ जुरिस्डिक्शन का ग्राउंड लिया तो डिग्री विल बी अपहेल्ड. ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट क्या है कि अनसर्टेनिटी का कोई रीजन था ही नहीं. ठीक है, अनसर्टेनिटी का कोई रीजन था ही नहीं, उसको पता था कि जुरिस्डिक्शन इज करेक्ट एंड ही कंडक्टेड द प्रॉपर ट्रायल और डिसीजन दिया, डिग्री दिया, बट अब अनसर्टेनिटी का कोई रीजन ही नहीं है तो जैसा चीजें चल रही है वैसे चलती रहेंगी. ठीक है, सेक्शन 19 और 20 क्या बात करता है? सेक्शन 19 और 20 वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एक्ट्स इन परसोनम. ठीक है, मतलब अगर आप कोर्ट आ रहे हैं यू शुड कम विद क्लीन हैंड्स, ऐसा है. ठीक है, इफ आई एम द वन सीकिंग इक्विटी देन आई शुड फॉलो यू, दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच सेक्शन 19 और 20 वर्क्स. रिलेवेंस इसका प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं है बट इन जुडिशियल एग्जाम से क्वेश्चन आता है. ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जुरिस्डिक्शन विल ऑलवेज बी डिसाइडेड वेयर डिफेंडेंट एक्चुअली वॉलेंटरली रिजाइड्स, कैरीज ऑन द बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर ग्रेन. ठीक है, नाउ अब क्या कहता है कि अगर सर्टेन ऑफेंस सच एज डिफेमेशन हो गया है, असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गया, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स इंप्रिजनमेंट हो गया है, तो जिसमें पर्सन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व. ठीक है, उसको आपने किसी तरीके की इंजरी दी है, हेयर वॉट प्लेंटिव हैज द ऑप्शन टू डू, प्लेंटिव कैन फाइल इंस्टीट्यूट अ सूट जहां पे ये एक्चुअली घटना हुई है या फिर जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है. ठीक है, नाउ सेक्शन 20 से हम लोग कल डिस्कस करेंगे.
ठीक है, रेजिड्यूरी अदर सूर्य, यहाँ पे भी काफी एक 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 कई तरीके की सिचुएशन आएगी, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जिसको हम लोग कल देखते हैं, अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।